मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी प्रबुद्ध नवीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। आज सबसे पहले मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन है। आज वो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उनको चोला चढ़ाएं, आग और उससे बने हुए पुष्प जो सफेद रंग के होते हैं, लाल रंग के धागे में उसकी माला बनवा के अगर हनुमान जी को चढ़वाते हैं और 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आज निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और जन्मदिन वाकई में एक कारगर दिवस भी बन जाएगा। आज दिनांक 7 अगस्त मंगलवार है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के वृषभ राशि में दोपहर 12:43 तक रहेंगे, यानी 43। उसके बाद चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे और वो भी रात को 11:48 पर, और फिर चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 7:52 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि के साथ उसके बाद एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। शुभ दिन के साथ में आज ग्रहों से बनने वाले विशेष योग भी आज आपको लाभ देंगे, जैसे बुध आदित्य योग आज आपको लाभ देगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य, यात्रा और खरीदारी करने के साथ साथ मैं कुछ समय बता रहा हूं जिससे आप नोट कर सकते हैं। शुभ समय के लिए दोपहर 12:00 से 2:00 तक का समय और शाम को 5 से 6:00 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि दोपहर 3:00 से 4:30 तक जो राहु काल रहेगा उस समय में इन सब चीजों को टाल देना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। अब मैं आने वाली 10 तारीख को 3 दिन बाद मुंबई में रहूंगा, 11 अगस्त को इंदौर में और 12 अगस्त को अहमदाबाद में विजिट रहेगी। आप इन शहरों में या इसके आसपास रहते हैं तो आप सभी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं और आप सभी का आने के लिए स्वागत रहेगा। अब मैं आपको आज को सफल बनाने का गुरु मंत्र बता रहा हूं जिसे अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आप अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहें, सफलता पाने के लिए स्वयं पर निर्भर रहें और अपने गिरेबान में जाके अपनी ही गलतियों को पहचाने, अपने ही रास्ते खुद बनाए, खुद उसे चुने। देखिएगा शाम को बात करेंगे तो आप कहेंगे आज मुझे सफलता मिल गई, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा, आज इंडिपेंडेंट बनके मैंने काम किया। आज की ग्रहों की स्थिति अगर हम बात करें तो आज चंद्रमा रात को 11:48 तक वृषभ राशि में उच्च राशि के रहेंगे, बाद में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आज भी केमद्रुम दोष रहेगा व गुरु के साथ षडाष्टक दोष चंद्रमा बनाएंगे। शनि धनु राशि में रहेंगे, मंगल उच्च राशि के मकर राशि में रहेंगे, लेकिन केतु के साथ अगारक दोष बनाएंगे। आज फिर सूर्य बुध और राहु तीनों साथ में रहेंगे कर्क राशि में, जिसमें बुधादित्य योग, जड़त्व दोष और ग्रहण दोष रहेगा। आज शुक्र कन्या राशि में नीच के ही रहेंगे और देवताओं के गुरु बृहस्पति तुला राशि में रहेंगे। इन्हीं सब के हिसाब से मैंने आपका तैयार किया राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। व्यापारी वर्ग के लोगों को वर्क प्लेस पर आज कुछ नया आइडिया अपनाने का समय रहेगा। इसके लिए आप चाहें तो खुद अपने आइडिया को आजमाएं या फिर अपने एम्प्लॉयज को बोलें कि कुछ नया आइडिया दें कि हम अपनी कमी को कैसे दूर करें, अच्छा कैसे कर सकते, इसके लिए परफेक्ट टाइम आपका हो सकता है। वहीं आज भाई बहनों से या पैतृक संपत्ति से कोई विवाद आपको हो सकता है, लोग आप पर कोई झूठे लांछन आरोप भी लगाने की कोशिश करेंगे, आप अलर्ट रहें। सुख सुविधाएं आज आपकी बढ़ सकती है, यानी कुछ खर्चे हो सकते हैं जिसमें आपको लाभ मिल सकता है। आपकी प्रसन्नता का ग्राफ आज कमजोर रहेगा, थोड़ा सा चिंता और विरोध, कुछ इरिटेशन भी आपको परेशान कर सकता है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आज आपको बचना चाहिए। सगे संबंधियों से आपको कुछ आज तकलीफ हो सकती है, हो सकता है कि वो अनबन हो जाए। आज आपकी प्रेमिका या प्रेमी का मूड ठीक नहीं रहेगा, जिस वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में आ सकते हैं, अलर्ट रहें। लव लाइफ के हिसाब से आज आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर को बोलें आज के दिन सारे काम करें, आप अवॉइड करें। स्टूडेंट आज किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें कि अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो पढ़ाई आपने की है वो अब धीरे धीरे आपको याद तो रहती नहीं है, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सेहत के मामले में आज आप बहुत लकी रहेंगे। लकी कलर आज आपका ऑरेंज रहेगा। नंबर 4 शुभ है, शुभ अल्फाबेट एल एस और पी रहेगा, वहीं टी और ई से दूरी बना के रखें। कोशिश करें कि पूर्व दिशा की ओर काम करेंगे तो आज आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, उनकी किस्मत आज आपका फैसला होने वाला है। आज आपको कुछ नया काम मिल सकता है, शेयर मार्केट में लाभ मिल सकता है या रुका हुआ कोई काम पूरा हो सकता है, आकस्मिक कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन लाभ मिल सकता है। जिसके लाभ मिल रहे हैं तो आप आंख और कान खोले रखिएगा तो आपको अपने आप ही मौके मिल जाएंगे। आज आपको किसी को जरूर मदद करने के मन से ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो घर परिवार का ऑफिस का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसे आपको आज जरूर मिलना चाहिए, उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए।
अपने दुश्मनों को कम आंच बिल्कुल भी नहीं आंकना चाहिए। बेकार के कामों में अपना समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप परिवार की कई तरह की जिम्मेदारियां आज निपटाने में पूरी तरह से कोशिश करेंगे और कामयाबी भी आपको मिलेगी। निजी संबंधों के मामले में आज आपको बहुत किस्मत वाला माना जा सकता है। आज स्टूडेंट्स को आलस्य और थकान से परेशानी रहेगी। पाचन तंत्र भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। खान पान में सावधानी रखें। कुल मिलाकर आज का दिन मिले जुले फल प्रतिपादित करने वाला रहेगा। लकी कलर आज आपका पिंक रहेगा। नंबर 3 आपका शुभ रहेगा। शुभ अल्फाबेट BG और T रहेगा। वहीं अशुभ S और P हो सकता है। भाग्योदय कारक दिशा आज आपकी उत्तर हो सकती है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि और रात को मिथुन के बृहस्पति बुध माफ करेगा चंद्रमा आने वाले। अभी चंद्रमा उच्च राशि के हैं। निश्चित रूप से आज आपको अपने मन मुताबिक काम मिलेगा और धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रहेगी। पैसे की आवक कमजोर रह सकती है, लेकिन जिसको आपको देना वो जैसे तैसे आपको देना ही होगा। आज आपको अपनी बनाई हुई कुछ योजनाओं से लाभ जरूर मिलेगा। उस योजनाओं में पूर्ण रूप से अपने आप को झोंकना पड़ेगा। एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस टारगेट को आज अचीव करना है। आप उसे अचीव कर लेंगे। प्रमोशन के योग, ट्रांसफर और जॉब में कुछ तब्दीली आने के योग आज आपके बन रहे। इस और आपको प्रयास आज करना भी चाहिए। आज का दिन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं तो आज फालतू के खर्चे और किसी प्रकार की गपशप में आपका जो पैसा आने वाला था वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसके लिए अलर्ट रहना होगा। पारिवारिक तौर पर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आज आप निभा पाएंगे। लव लाइफ में आज बहुत रोमांच और रोमांस हो सकता है। पूरी बातों से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए प्रेमी और प्रेमिका के मन में। आज अगर आप अपने माता पिता को इस बात को बताना चाहते हैं कि हम आगे शादी करना चाहते हैं तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट को आज अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छी ढंग से पढ़ाई करने की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लकी कलर आज आपका गोल्डन है। नंबर 6 शुभ है। शुभ अल्फाबेट ER और T रहेगा। वही अशुभ G और N हो सकता है। भाग्य उदय कारक दिशा आज आपकी पूर्व हो सकती है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले सभी व्यापारी वर्ग के लोग जो कि ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग हैं, आज उनको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। जिनसे आप पैसा मांग रहे थे, बड़े प्यार मोहब्बत से उनको अच्छा मैसेज करके बातचीत करके आज कुछ पैसे की आवक आपकी हो सकती है। जिसको पैसा देना है आज बहुत अच्छा दिन है। मंगलवार पैसा चुकता कर दीजिए अपना, ताकि दिल पर बोझ ना रहे। आज आप अपनी बातों से किसी प्रकार से किसी को पटाने की पूरी कोशिश करेंगे और वो पट भी जाएगा। मतलब आप अपने हिसाब से डिप्लोमेसी है उसके हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आज आपकी जीत पक्की है। जो लोग जॉब करते हैं उनको अपने सीनियर बॉस से आज दूरी बना के रखनी चाहिए, वरना आप डांट खाने का मिल सकता है। आपके कार्य से खुश वो नहीं हो सकते हैं। आपको पार्टनर्स के साथ बहुत तरीके से चलना पड़ेगा, चाहे वो लव पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर हो। आज आपको वर्क प्लेस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, वरना किसी से झगड़ा या फसाद कुछ हो सकता है। आज गाड़ी से स्किट होने के चांसेस ज़्यादा हैं या सीढ़ियों से गिर सकते हैं, बाथरूम में स्लिप हो सकते हैं, तो अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सेहत के मामले में ठीक रहेगा। लकी कलर आज आपका ग्रीन है। नंबर 9 आपके लिए शुभ है। शुभ अल्फाबेट LG और R है। वहीं अशुभ K और A हो सकते हैं। भाग्योदय कारक दिशा आज आपकी पश्चिम हो सकती है। बात करते हैं सिंह राशि की। बिजनेस हो या वर्क प्लेस पर आज आप अपने काम को अंजाम पर पहुंचा देंगे। जो नतीजे आप चाहते हैं वैसे कर्म करना शुरू कर दीजिए, आज आपको लाभ मिल जाएगा। आप ये याद रखिए कि कई दिनों से आप ये सोच रहे हैं कि अब कुछ और पाना चाहता हूं, उसके लिए कुछ और करना भी पड़ेगा, इसलिए और करने का काम आज से शुरू कर दीजिए। मंगल करिए आज। आज के दिन किए गए कामों से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, नया ऑर्डर मिल सकता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वर्क प्लेस पर रहें, चाहे बिजनेस करो चाहे जॉब करो, लेकिन किस्मत आज आपकी खुल सकती है, अच्छे लाभ मिल सकते हैं। आपको हर काम में सावधानी से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तब अच्छा रहेगा। स्वार्थी लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखें, वरना कुछ भी नुकसान हो सकता है। विरोधी आपके बहुत आगे बढ़ेंगे और विरोधी आपको बहुत परेशान भी करने की कोशिश करेंगे। आप परिवार में कोई भी नया फैसला लेने से बचिए। स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, इसलिए पूरा रेस्ट करने की कोशिश करें। स्पेशली बोलने पर आपको बहुत अंकुश लगाना चाहिए। आज आपको स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मस्त रहिए। लकी कलर आज आपका ग्रे है। नंबर 1 आपके लिए शुभ है। HS और A अल्फाबेट आपके लिए अच्छे हैं। वहीं ER और R खराब हो सकते हैं। भाग्योदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। हर चीज डिले होगी। आप खुद ही अपने ऑफिस के लिए डिले हो सकते हैं, कहीं फंस सकते हैं, गाड़ी खराब हो सकती है, कुछ न कुछ ऐसा आज होगा कि जो 3 घंटे का काम है वो 13 घंटे में भी पूरा ना हो।
इसलिए अगर आपने टाइम मैनेजमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलोगे तो पूरा मैनेज हो सकता है, लेकिन फिर भी आज आपको बहुत इरिटेशन रहेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करने का आज आपको मौका मिल सकता है, लेकिन आज आप शाम को देखेंगे तो सारी चीज़ें अधूरी अधूरी रह जाएगी, पूरी कुछ हो ही नहीं पाई। लेकिन फिर भी अगर आप मैनेजमेंट वही है उस पर ध्यान देना होगा। आज अपनी जॉब को चेंज करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है। जिन लोगों का आज इंटरव्यू है उनको आज बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, बस खुद पर विश्वास रखें, भोलेनाथ शिव का ध्यान दें क्योंकि चंद्रमा उच्च राशि के हैं। सोचा हुआ काम आज आपका पूरा हो सकता है, लेकिन सोचे हुए तरीके से मेहनत भी करनी होगी। हर कार्य को होश और जोश दोनों को तालमेल बिठाकर चलोगे, निश्चित रूप से जब आप रात को घर पर लौटेंगे तो आपको लगेगा कि आज मैंने कुछ अच्छा और बड़ा जरूर किया है। आज आपको सरप्राइज मिल सकता है अपने पार्टनर से, बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है। स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहद खास रहेगा, कुछ नया पढ़ने, नया सीखने और अच्छे नंबर्स आ सकते हैं अगर एग्जाम चल रहे हैं तो। पेट संबंधी परेशानियों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। लकी कलर आपका नेवी ब्लू, नंबर 5 आपके लिए शुभ है। शुभ अल्फाबेट एस एच और एम है, वही हो सकता है अशुभ आपके लिए ए और जे हो जाए। भाग्य उदय कारक दिशा आज आपके पश्चिमों की। बात करते हैं तुला राशि की। बिजनेस और वर्क प्लेस पर थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। आज आप वर्क प्लेस पर किसी गलत सूचना के कारण गलत दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, सावधान रहें। किसी की बातों पर अंधा विश्वास न करें, किसी भी सूचना पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेहनत करने के बावजूद भी उसका फल नहीं मिल पाने से आपको मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन जरूर रहेगा, लेकिन इसके लिए अपने हमें मेहनत बढ़ा देनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन घटा देनी चाहिए। घर परिवार में या ऑफिस में ज्यादा खर्च की वजह से आपको तनाव रहेगा, लव लाइफ में संबंध गड़बड़ा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आज थोड़ी परेशानी भरा समय रहेगा। हेल्थ को लेकर सचेत रहें, वाहन चलाते समय कुछ ज्यादा ही सचेत रहें, बिना आपकी गलती के भी आपको आज नुकसान हो सकता है। लकी कलर ब्राउन, नंबर 3 आपके लिए शुभ है और शुभ अल्फाबेट पी आई और ई है, वहीं ए और जी से दूरी बना के रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, व्यापार हो या कोई भी नौकरी, प्रोफेशन, किसी भी प्लेस पर आज का दिन आपके लिए ठीक ठीक गुजरेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज आप अपने ऑफिस में कम और फील्ड वर्क में ज्यादा ध्यान दें, आपको मेहनत का पूरा फायदा मिल जाएगा। आपके अचानक धन लाभ के आज योग बन रहे, हो सकता है पुराना कोई दिया हुआ पैसा वापस आ जाए, शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी की अच्छी डील हो सकती है, आपको जल्दी ही कुछ एक्स्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं। कोशिश करेगा आज जब तक आपका कोई भी काम पूरा ना हो तब तक आप चुप रहें, बोले नहीं कि आपका काम वहीं अटक जाएगा। इससे निवेश, बचत और सभी प्रकार की शुरुआत का फैसला आज आप कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या किसी प्रकार की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग हो तो आज आप परफेक्ट आपके लिए दिन कहा जा सकता है। घर में चहल पहल रहेगी, कोई सुधार या मरम्मत का काम करना हो तो आज आप उससे शुरू करवा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, कुछ खास अचीवमेंट नहीं रहेगा। आज आपको स्वास्थ्य में सुधार पहले से नजर आने लगेगा। लकी कलर आपका व्हाइट, नंबर 4 आपके लिए शुभ है। शुभ अल्फाबेट सी बी और एल है, वहीं एस और आई से दूरी बनाकर रखें, दक्षिण दिशा आपके लिए अच्छी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि की। आज कुछ चीजें डिले होने की वजह से आप परेशान होंगे, वैसे भी शनि की 7:30 चली रही है, मंगलवार है, मंगल शनि का दुश्मन है, इसलिए आज आपको टाइम ज्यादा ऑफिस में देना होगा और टाइम मैनेजमेंट को भी प्रॉपर ढंग से करना पड़ेगा। हर योजना में कोशिश करें कि आप पूर्ण रूप से सफल होने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो मेहनत किया जाए। जो कार्य आपने सोच रखा है वह कार्य आज आपका पूरा हो सकता है अगर आप उस तरीके से स्ट्रेटेजी भी अपने बनाए, लेकिन अगर आपने उस चीज में न पढ़ के किसी और चीजों में अपना दिमाग लगाया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ नए घरेलू उपकरणों की खरीद हो सकती है जिससे खर्च में बढ़ोतरी होगी। वार्तालाप करते समय शब्दों का ध्यान बहुत रखना होगा। जहां भी आपको लगता है इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, कुछ नुकसान होने जा रहा है तो आप अपने आप को दूर कर लें। मैनेजमेंट आज आपको सीखना होगा, काम करने के बजाय करवाने की प्लानिंग अगर रखोगे तो मजा आ जाएगा। सांस से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है, लीवर की कोई तकलीफ आज आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ओवरऑल ठीक है। कलर आपके लिए मैरून, नंबर 6 शुभ है। ओ यू और एन आपके लिए शुभ अल्फाबेट हो सकते हैं, वही वी और एम अशुभ हो सकते हैं। भाग्य उदय कारक दिशा आज आपकी उत्तर रहेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले सभी व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए आज कुछ अच्छी मीटिंग करने का दिन है। आप व्यापारी लोगों से मीटिंग कर सकते हैं, अपने ग्राहकों से मीटिंग कर सकते हैं, पुराने सारे ग्राहकों के रिकॉर्ड निकालिए, उन्हें मैसेज करिए, नए ग्राहकों से तालमेल बिठाइए, किसी से हो सकता है तो घर पर जाकर मिलिए, ऑफिस में जाकर मिलिए। आज मिलने का सिलसिला रखोगे तो आज जो नींव डालोगे कल वो बिल्डिंग खड़ी होगी, लेकिन वर्क प्लेस पर आप बैठे रहेंगे तो आज बैठे रह जाएंगे। आज हो सके तो अपने सहकर्मियों से, अपने एम्प्लॉय से, अपने सबॉर्डिनेट से मीटिंग करें और उसके बाद अपने व्यक्तित्व कैसे विकास किया जाए, अपने ऑफिस को कैसे डेवलप किया जाए, इसकी भी मीटिंग की जा सकती है।
घर परिवार के कुछ मामलों की वजह से आप डिस्टर्ब आज होंगे। कुछ मामले तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। कुछ दोस्तों के से आज आपको मदद मिल सकती है, मदद लेना भी चाहें तो आपको लेनी चाहिए। मूड आज आपका इवनिंग में जाते जाते कुछ खराब हो सकता है। पार्टनर आपकी भावनाएं नहीं समझेंगे, इसलिए आज लव लाइफ से दूरी बनानी चाहिए। स्टूडेंट के लिए समय सफलता भरा रह सकता है। जोड़ों का दर्द आज आपको फिर परेशान करेगा। लकी कलर जो है वो सिल्वर है। नंबर 5 आपके लिए शुभ है। शुभ अल्फाबेट POT है और वहीं अशुभ K और R हो सकता है। भाग्य उदय कारक दिशा आज आपकी दक्षिण हो सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि की। बिजनेस हो या नौकरी हो, आ रही टेंशन को आपको भांपना होगा, समझना होगा। कल कुछ काम आपके अधूरे रह गए थे, आज सबसे पहले उन्हें पूरा करें। जल्दी अपने ऑफिस जाएं, टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर करें और ये समझना है कि जो डिस्टर्बेंस आपको चल रहा है उसको जड़ से कैसे खत्म किया जाए, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ ऐसी मीटिंग्स करिए कि जिससे सब लोग मिलकर काम को आगे बढ़ा सके। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। आज के दिन बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा और उनका आशीर्वाद लेकर ही किसी शुभ और नए कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। पैसों की स्थिति में आज सुधार होने की उम्मीद है और सुधार हो भी जाएगा। आज आपका इन्वेस्टमेंट करने का दिन बहुत अच्छा कहा जा सकता है, आपको करना चाहिए। आर्थिक स्थिति ओवरऑल बेहतर रहेगी। परिवार से जुड़ी हुई किसी अच्छी खबर से आपका जो टेंशन है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। परिवार के साथ अपनी पूरी बातों को शेयर जरूर करें। आज साइंस के छात्रों को बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 1 शुभ है। शुभ अल्फाबेट J, F और E रहेगा। वहीं भाग्योदय कारक दिशा तो पश्चिम है, लेकिन D और G से ऐसे अल्फाबेट वाले लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। बात करते हैं आज की हमारी अंतिम राशि, मीन राशि। देखिए, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन लोगों को आज कुछ निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन आप अगर मेहनत को डबल करते हैं, अपनी मानसिकता को काबू रखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहते हैं, निश्चित रूप से आपको असफलता काफी कम कर देंगे और सफलता तक भी हम पहुंच सकते हैं, याद रखिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्य उदय करने वाला दिन कहा जा सकता है। कोई नई जॉब, कुछ नया ऑफर मिलना, पुराने बॉस ही वापस बुला ले, नए किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन हो जाना, ये सब लाभ दे सकते हैं। खर्च में आज आप कमी करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, लेकिन धन लाभ जरूर आज हो रहा है। दोस्तों से सलाह मिलेगी और सास बहू में या परिवार के किसी और लोगों की वजह से कहा सुनी या किसी झगड़े की बू भी मुझे आज आ रही है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, कोशिश करें कि किसी झगड़े में ना फंसा जाए। स्टूडेंट को आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपकी सेहत ठीक ठीक रहेगी, थकान जरूर थोड़ा परेशान करेगी। लकी कलर आज आपका पर्पल है। नंबर 9 आपके लिए शुभ है। शुभ अल्फाबेट STV है, वही अशुभ J और L हो सकता है। भाग्योदय कारक दिशा आज आपकी उत्तर रहेगी। देखिए, आज को खास बनाने का एक विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो करने से आप निश्चित मानिए आज आपका भाग्योदय भी हो सकता है। आप हनुमान जी के प्रिय वार मंगलवार है, राम जी के मंदिर में जाएं। नहीं संभव है तो कहीं राम जी की मूर्ति हो, नहीं भी वो भी नहीं संभव है, श्री राम लिख दीजिए पेपर पे, उन्हें आप समझ लीजिए श्री राम है। और दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के मस्तिष्क पर जो उनका सिंदूर होता है उसमें थोड़ा चमेली का तेल डाल के तिलक लगाइए। वहीं श्री राम व माता सीता के श्री चरणों में भी लगा दें और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे राम भक्त हनुमान जी की कृपा आज आप पर बनी रहेगी और एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करते हुए आज आप दिन को बहुत बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे और अधूरे सपने भी पूरे कर पाएंगे। आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1905 में आज के दिन भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हॉलीवुड की एक्ट्रेस चार्लीज थेरॉन वो एक्टर डेविड डचोवनी का जन्म आज के दिन हुआ था। आप सभी का दिन बेहतर गुजरे, यादगार आपके लिए दिन हो, आप सभी को हर खुशियां मिले, इसी प्रार्थना जो ईश्वर से करता हूं उसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। इजाजत दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से व्यक्तिगत मिलने के लिए संपर्क करें। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों, मेरी कोशिश रोजाना ये रहती है कि आप लोगों को ज्योतिष, आध्यात्म और गोचर के आधार पर कुछ ऐसी विशेष जानकारियां दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ समस्याएं हैं और मेरे पास समाधान है। आपका और मेरा मिलन कैसे हो, इसके लिए मैं विशेष प्रयास हमेशा करता हूं। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में मैंने कुछ लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आप सभी के जिज्ञासाओं को लिया था, प्रश्नों को लिया था। कोशिश मेरी रोज कमेंट्स के माध्यम से भी रहती है कि आपको बेहतर ढंग से जवाब दिया जा सके। लेकिन जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए। अगर आप
उन शहरों में रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया से गुजर के आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। कुछ डेट्स दे रहा हूं जिसे आप नोट कर सकते हैं, 10 और 24 अगस्त मुंबई, 11 अगस्त को इंदौर, 12 अगस्त को अहमदाबाद, 17 अगस्त दिल्ली, 18 अगस्त को पटना, 19 अगस्त को कोलकाता, 25 अगस्त को नासिक, 30 अगस्त को उदयपुर राजस्थान, 31 अगस्त को जोधपुर राजस्थान में मिलूंगा। वहीं सितंबर माह में मुझसे पर्सनली मिलने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, 1 और 2 सितंबर को दिल्ली, 3 सितंबर देहरादून, 7 और 28 सितंबर मुंबई, 8 सितंबर नागपुर, 9 सितंबर पुणे महाराष्ट्र, 15 सितंबर सूरत, 16 सितंबर अहमदाबाद, 22 सितंबर काठमांडू नेपाल, 23 सितंबर को गुड़गांव और 29 सितंबर को बड़ौदा गुजरात में आप सभी मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं करूंगा आपका स्वागत, आप सभी पर्सनली मिलते हैं तो आप और हम मिलकर गुरु और शिष्य की इस परंपरा को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। वह समय आ गया है जिसका हम सभी को वर्ष भर रहता है इंतजार। शुरू हो रहे हैं विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा के वो 10 सौभाग्यशाली दिन, जिसके साथ होगा मन्नतों के देवता गणपति का गृह प्रवेश, जिससे आपके घर आएंगे रिद्धि सिद्धि बुद्धि सौभाग्य और दूर हो जाएंगे आपके सारे विघ्न। अष्ट सिद्धिदायक गणपति सुख समृद्धि यश ऐश्वर्य वैभव बुद्धि और ज्ञान के देवता का आगमन करने के लिए हम सभी रहे तैयार उस महापर्व पर जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। शुरू हो रहा है गणेश महोत्सव, लोगों ने बप्पा को घर लाने की तैयारी कर ली है। गणपति का प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहे और पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-243-2625, 9829-02-6625, 8955-89-6625, ईमेल info@grahukakhel.com.in, वेबसाइट www.grahukakhel.com.in।